मैं लक्ष्मण आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल वेदास इंस्टीट्यूट कोलकाता पे। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्लासिकल डांस फॉर्म्स। क्लासिकल डांस फॉर्म्स, जब आप आर्ट एंड कल्चर स्टडी करते हैं इंडियन डांस फॉर्म्स, तो आप पाते हैं कि इंडियन डांस फॉर्म्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर वन क्लासिकल डांस फॉर्म्स और नंबर टू फोक डांस फॉर्म्स। तो ये जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में जो इंडियन फोक डांस है उनको डिस्कस करेंगे। तो जब आप इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स को 8 भागों में 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक, सतरिया फ्रॉम असम। तो एक एक करके देखते हैं। नंबर वन, भरतनाट्यम ओरिजिन और प्लेस तमिलनाडु, मतलब ये जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल्सो नोन एज दासी अट्टम और सादी अट्टम, दिस अट्टम ये जो वर्ड है इसका अर्थ होता है डांस। तो भरतनाट्यम को दासी अट्टम और सादी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भरतनाट्यम इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द फायर डांस, भरतनाट्यम को फायर डांस भी कहते हैं। फेमस प्रोपोनेंट्स, ये फेमस प्रोपोनेंट्स क्यों? सपोज कीजिए कि आपसे पूछा जाए कि सचिन तेंदुलकर किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो आप डेफिनेटली कहेंगे क्रिकेट। अगर आप किसी पॉलिटिशियंस का नाम लेंगे तो आप डेफिनेटली आपका आंसर होगा पॉलिटिक्स। तो उसी तरह ये जितने भी नाम हैं, ई कृष्णा अय्यर, रुक्मणी देवी, अरुण डले, तो ये लोग जो हैं ये भरतनाट्यम में इनका योगदान बहुत रहा है, बहुत समय क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, फेमस प्रोपोनेंट्स ई कृष्णा अय्यर, रुक्मणी देवी, अरुण डले, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई। नेक्स्ट पॉइंट, कुचिपुड़ी, ओरिजिन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द कुचिपुड़ी रिसाइटल्स आर बेस्ड ऑन स्टोरीज ऑफ भगवत पुराण। तो जब कुचिपुड़ी परफॉर्म किया जाता है तो भगवत पुराण की जो कहानी है, जो स्टोरीज है, उनके ऊपर परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जनरली अकम्पेनिड विद कार्नेटिक म्यूजिक, वायलिन एंड मृदंगम। तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, मृदंगम जैसे इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है। ये मृदंगम ढोल की तरह दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट, फेमस प्रोपोनेंट्स बाला सरस्वती, रागिनी देवी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, इंद्राणी रहमान एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, कथकली, ओरिजिन और प्लेस केरला, मोस्ट कथकली रिसाइटल्स आर अ ग्राउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इविल। तो ये जो कथकली परफॉर्म किया जाता है उसमें जो गुड एंड इविल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको दर्शाया जाता है, बेस्ड ऑन रामायण एंड महाभारत। नेक्स्ट पॉइंट, फेमस प्रोपोनेंट्स मलयाली पोएट वी एन मेनन, गुरु कुंचुकुरु, रीता गांगुली एक्सेट्रा। मोहिनीअट्टम, ओरिजिन केरला। नेक्स्ट पॉइंट, मोहिनीअट्टम कंबाइंस द ग्रेस एंड एलिगेंस ऑफ भरतनाट्यम विद द वाइगर ऑफ कथकली। तो जो मोहिनीअट्टम है वो भरतनाट्यम और कथकली का कॉम्बिनेशन है। इट इज मेनली परफॉर्म्ड बाय फीमेल डांसर्स। सो ये जो मोहिनीअट्टम परफॉर्म किया जाता है वो बेसिकली फीमेल डांसर्स के द्वारा किया जाता है। फेमस प्रोपोनेंट्स सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन, कल्याणी अम्मा, मलयाली पोएट वी एन मेनन। नेक्स्ट, ओडिसी, ओरिजिन उड़ीसा। इट इज सिमिलर टू भरतनाट्यम, ओडिसी डांस इज अकम्पाइंड बाय हिंदुस्तानी म्यूजिक। ये हिंदुस्तानी म्यूजिक, जब आप इंडियन, जैसे कि आप इंडियन डांस फॉर्म्स पढ़ रहे हैं, तो जब आप इंडियन म्यूजिक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इंडियन म्यूजिक जो है वो क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है और इंडियन फोक म्यूजिक है। मैं दूसरे वीडियो में मैं इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट, फेमस प्रोपोनेंट्स गुरु पंकज चरण दास, गुरु केलू चरण महापात्रा, इंद्राणी रहमान। मणिपुरी, ओरिजिन मणिपुर, ऑल्सो नोन एज जागोई डांस।
सो मणिपुरी डांस को जावोई डांस भी कहते हैं. There is a limited use of mudras in Manipuri dance. The focus is mainly on slow and gracious movements of hand and knee position. So, अगर आप देखते हैं भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, ओडिसी है ना, तो इन सब डांस में आप देखेंगे कि जो मूवमेंट्स है वो फास्ट है, बट जब आप मणिपुरी डांस देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनमें जो मूवमेंट्स है वो स्लो एंड ग्रेसियस मूवमेंट्स होते हैं. नेक्स्ट फेमस प्रोपोनेंट्स रविंद्रनाथ टैगोर. व्हाई? बिकॉज रविंद्रनाथ टैगोर इंट्रोड्यूस मणिपुरी डांस इन शांति निकेतन एंड जावेरी सिस्टर्स. कथक ओरिजिन उत्तर प्रदेश. कथक इज जनरली अकंपनीड विद ध्रुपद म्यूजिक. तो जब कथक परफॉर्म किया जाता है तो उसके साथ में ध्रुपद म्यूजिक यूज करते हैं. फेमस प्रोपोनेंट लेडी लीला सोखी, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी. सतरिया डांस ओरिजिन असम. सतरिया डांस फॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द वैष्णव सेंट शंकर देव इन 15th century AD. तो जो सतरिया डांस है इस डांस को इंट्रोड्यूस किया था सेंट शंकर देव ने, जो कि वैष्णव सेंट है, इन 15th century. स्टूडेंट्स, तो हमने कवर किया क्लासिकल डांस फॉर्म्स. तो आर्ट एंड कल्चर जब आप पढ़ते हैं इंडियन डांस फॉर्म, तो एक पार्ट जो है हमने कवर किया क्लासिकल डांस फॉर्म्स. अनदर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोक डांस, इंडियन फोक डांस फॉर्म्स. तो ये जो अभी अभी टॉपिक मैंने कवर किया क्लासिकल डांस फॉर्म्स, इस पोर्शन से, इस टॉपिक से चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. 2018 में वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस मेंस पेपर 4 में ये क्वेश्चन आया है. भरतनाट्यम इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश. आपका आंसर है तमिलनाडु. नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में आया है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस मेंस पेपर 4 में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनेटेड इन तमिलनाडु? कथकली, कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम. आपका आंसर है भरतनाट्यम. स्टूडेंट्स, हमने अभी अभी कवर किया इंडियन डांस फॉर्म से क्लासिकल डांस फॉर्म. तो टॉपिक को कवर किया, दो क्वेश्चंस देखें. चलिए देखते हैं कि ये टॉपिक किस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. रेलवे के एग्जाम्स में ये बहुत बार आ चुका है. SSC CGL CHSL के एग्जाम में आता है, पुलिस के एग्जाम में आता है, स्टेट PSC के एग्जाम्स में आता है, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस प्रीलिम्स के भी एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है, और वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस मेंस पेपर 4 से मैंने आपके लिए दो क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिए. स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल है. एक छोटा सा रिक्वेस्ट था, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.